मॉम, डैड, ये लुकास है। हेलो। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ डोनाल्ड। लुकास, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या बेटे? अच्छे लोग खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। डैड, तो आप बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ की सबसे बढ़िया डिश ऑर्डर करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ग्वेन, हमें ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ मिले थे? ऑफिस में। ओह सच में? और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी तुम्हें, ये बताओ। वेल, लुकास बहुत ही समझदार है, अच्छा इंसान है और अपाहिज। डैड जी, स्वीट हार्ट, मुझे बताओगी यहाँ हाथ धोने की जगह कहाँ है प्लीज? बिल्कुल। क्या मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल पूछ सकती हूँ? कार एक्सीडेंट 5 साल पहले। उम्मीद है शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, और हाँ मेरे बच्चे भी होंगे। ओ बहुत अच्छा। डैड की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओ तो मैंने टैक्सी बुलाई है। ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। नहीं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अब कैसा लग रहा है? मुझे लगा हम इसके बाद मेरे घर जाने वाले हैं। नहीं, हम नहीं जा रहे। तो फिर कल? नहीं, कल भी नहीं और उसके बाद भी कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा उन्होंने तुमसे? वो नहीं मान रहे हैं ना? हमें नहीं चाहिए उनकी कोई भी ब्लेसिंग। नहीं, डैड ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, पर उन्होंने मेरी आंखें जरूर खोल दी कि मैं किसी ऐसे को डिजर्व करती हूँ जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बोलो, कहो ना, मैं हूँ चैंप यहाँ। तुम हो चैंप? हाँ मैं ही हूँ। कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम अजीब हो, लेकिन आज सैड भी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ये दुखी है क्योंकि लैग कॉम्बो नहीं कर सकता। हे, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं दोस्त। मैंने कहा जाओ यहाँ से, बेवकूफ, भूल जाओ उसे। तो उसके पेरेंट्स के साथ तुम्हारी मुलाकात अच्छी नहीं रही या फिर? लगता है ग्वेन और मेरे बीच में सब खत्म। कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं, तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओगे और फिर वही सब। बताओ, बताओ मुझे, वो मेरे जैसे आदमी के साथ क्यों रहेगी? पर तुम्हें ऐसा रिश्ता चाहिए क्यों, जब तुमसे प्यार करने वाली बस इसी शर्त पर प्यार करे कि तुम्हारे पैर ठीक हो। मुझे लगता है तुम्हें प्यार करने वाली तुम्हारा हाथ थामेगी, तुम्हारी मदद करेगी। देखो मुझे नहीं पता। क्या? सुनो, वो मेरे साथ होती अगर मेरे पैर ठीक होते। नहीं, हाँ? नहीं, 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 नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि सोचना बंद करो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सर्जरी करवा लेता हूँ, करवानी ही होगी। नहीं। हाँ? देखो तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मत सोचो, ये सर्जरी जानलेवा है और तुम जानते हो इडियट, तुम्हें पता है ना? हाँ, पर एक उम्मीद भी तो है, छोटी सी उम्मीद ही सही। अच्छा, सच में है ये थोड़ी सी उम्मीद? हाँ, लेकिन बस एक महीने में सब हो जाएगा और फिर कॉर्पोरेट पार्टी में मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। लुकास, तुम उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जिसको तुम्हारी परवाह भी नहीं है, ओके? अगर अपने दिमाग की नहीं सुन सकते तो अपनी दोस्त की ही सुन लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारे बिना ऑफिस बोरिंग हो जाएगा क्योंकि तुम कूल हो। अच्छा है, ठीक है, इस गेम पैड पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालोगे। कसम खाता हूँ। और अगर तुमने कसम तोड़ी तो मैं इस गेम पैड को कहाँ डालूंगी, पता है ना तुम्हें? मैं कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, समझ गया। तो तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपना सारा ध्यान मुझ पर नहीं वहां लगाओ और हराओ। सुनो, देखो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं।
मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर उस दिन क्या हुआ था? हमारी बात ही नहीं हुई। ग्वेन, क्यों? आखिर क्यों तुमने इतनी जल्दी अपने फैसले को बदल दिया है? बताओ मुझे। क्योंकि मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने लगी थी, जो नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? थोड़े से मुझे पेपर पास करोगे प्लीज? तुम जानती हो मैं नहीं कर सकता। हाँ, और इसीलिए हमारा फ्यूचर नहीं है। हमारे सपनों के घर को तुम कैसे बनाओगे? हमारे बच्चों को कैसे बड़ा करोगे? कैसे सिखाओगे बेसबॉल खेलना? ये मुमकिन नहीं है। तो तुमने हमारे परिवार के बारे में सोचा है ना ग्वेन? और ये भी कि हमारे बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल, पर अब ये मायने नहीं रखता। ओ ओ सुनो, तो अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, हमारे सपनों के घर में जहां हमारी फैमिली होगी? तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए? हाँ, शायद करनी चाहिए। हे लूजर, लंच मॉडल कॉम्पैक्ट, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। हे हाय, लुकस कहाँ है? उसने एक सिक लीव ली है क्योंकि वो सर्जरी में है। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज फोन उठाओ प्लीज। ओके हाँ, सुनो सुनो, ये मत करो, तुम्हारी जान जा सकती है। तुम जानते हो ना, तुम मर सकते हो बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम पहले से ही बहुत ग्रेट हो। लूकस प्लीज प्लीज अपनी जान बचा लो, प्लीज ऐसा मत करो। क्या? तो ठीक है, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती खत्म, तुम सुन रहे हो? ओके लूकस, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, तुम ऐसा नहीं करोगे, और अगर तुमने किया तो तुम नर्क में जाओगे, देखना। हो क्या गया है तुम्हें? Cheers. 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 Hey, पार्टी में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। कहाँ थे तुम? कार पंक्चर हो गई थी क्या? लुकस, लुकस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुकस तुम चल सकते हो? लुकस तुम चल सकते हो? थैंक यू दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। तो तुमको याद है ना हमारे परिवार और फ्यूचर प्लानिंग की बातें? हे हनी, ये रहे दो लाजवाब ड्रिंक्स और तीसरा हम खुद ही बनाएंगे। क्या हुआ, क्या ये सही वक्त नहीं है बेब? हाँ सुनो बेब, तो दोस्तों क्या तुम दोनों एक साथ में हो? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारा वेट करती? ओह पता नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला और तुमने इसे चुना। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ही पसंद है। ओह तुम्हारे पेरेंट्स तो तो तुमने लगभग एक साल तक मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया और तुमने एक महीने में इसके बारे में बता दिया। पर तुमने तो कहा था अभी भी उम्मीद है ना? हाँ, एक उम्मीद लुकस, जैसे तुम्हारी सर्जरी को लेकर थी। तुम इस मामले में लगी रहे लेकिन मुझे लेकर नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी लुकस, आई एम रियली सॉरी, गुड बाय।
तुम्हारे पीछे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इडियट खड़ा है। आई एम सॉरी। तुम सही थी। तुमसे प्यार करने वाले को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, सिर्फ उस टाइम ही नहीं जब तुम्हारी जरूरत हो। तो डांस करें? डांस मुझे पसंद नहीं है, ये तुम जानते हो बेवकूफ। किसने कहा ये स्लो होगा? जरा देखो इसे, ये कितना फनी है। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? क्या? तुम्हें एमके में हराना है, स्कॉर्पियन की तरह।